गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका आज स्टडी में। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डेली आप लोगों को एक टेस्ट मिलता है जो कि यूपी पीजीटी पीजीटी आर्ट 2020 के लिए है। और मैं अभी से मानूँ कि यदि 150 दिन आप लोगों को 5 महीने मिलता है यदि पेपर का, तो जोड़ लीजिए 150 में यदि 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका लगभग लगभग 7,500 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे डेली यदि आप कर रहे हैं। आज आप लोगों को पता चलेगा कि मैं 5 से 10 क्वेश्चन ज़्यादा लिया हूँ कल से, ठीक है। डेली बढ़ाते चलूँगा, धीरे धीरे आप लोगों का 50 क्वेश्चंस एक दिन में डिस्कस होगा, ठीक है। और वही सभी क्वेश्चन डिस्कस होंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, प्रीवियस एग्जाम, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। कल भी जो लोग नहीं देखे वीडियो जाके देख लीजिए पीछे, ये 5वां टेस्ट है, 4 टेस्ट पीछे हो चुका है, ठीक है। और आप लोगों को मैं भरोसा दिलाता हूँ कि पूरी तरीके से डेली आप लोगों को वीडियो आएगी, एक भी दिन ब्रेक नहीं होगा। बस आप लोगों को तेज़ी करके देखना, और ये भी है कि 10 मिनट से भी ज़्यादा वीडियो नहीं रहेगी, 10 मिनट से छोटा छोटा वीडियो आएगा और डेली 50 क्वेश्चंस रहेंगे आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो वीडियो मैं आगे डालूँ आपको मिल जाए। कह रहा है कि चालुक्य वंश की राजधानी यहाँ स्थित थी, कहाँ स्थित थी चालुक्य वंश की राजधानी, ये हमें बताना है। तो आप लोग जानते हैं और नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी, बादामी थी, ठीक है, बादामी थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है महावीर, आप लोग जानते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर, का जन्म चित्रित किया गया है। जन्म चित्रित किया गया है किसने, कल्प सूत्र में, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, आगे क्वेश्चन है कि मांडू किसके लिए प्रसिद्ध है, मांडू किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आप सभी लोग जानते हैं मांडू जो है क्या है, एक जैन चित्रकारी है, क्या है, जैन चित्रकारी मांडू, ठीक। और ये कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में है, कहाँ पे, धार जिले में, एमपी के धार जिले में, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, देखिए क्या है कि भागवत पुराण इनकी कहानी है, किसकी कहानी है भागवत पुराण, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एलटी में, पीजीटी में, यूपी में, एनवीएस में, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये किसके, कृष्ण की, ठीक है। देखिए बहुत टफ नहीं पूछेगा आपसे क्वेश्चन, बस ईजी क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, और जब ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है जब ईजी ना, तो आप लोगों का गलत होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग सहते हैं, सब कुछ बढ़िया हो जाता है। जैसे ही इसका विज्ञापन आएगा, एक टेक्स्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है, आप सभी लोग जानते हैं आरजी स्टडी टेक्स्ट सीरीज लॉन्च करता रहता है, जो भी एग्जाम आता रहता है उसके लिए टेक्स्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है। आप लोग यदि यहाँ से भरोसा करेंगे तो ले सकते हैं टेक्स्ट सीरीज, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि टेक्स्ट सीरीज में वही क्वेश्चन रहेंगे जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं और जो आने की संभावना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी द ट्री लवर किसकी है, किसकी है, तो आपको देखिए यहाँ पे हो जाएगा आंसर श्री विनोद बिहारी मुखर्जी की, द ट्री लवर, वृक्ष प्रेमी। नेक्स्ट, द इनर आई किससे संबंधित है, द इनर आई किससे संबंधित है, तो आपको देखिए यहाँ पे हो जाएगा सत्यजीत रे, क्या सत्यजीत रे से संबंधित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा इसका जो कहानी ये जान लीजिए, जब विनोद बिहारी तो बचपन में थे ना, तो नेत्र रोग से पीड़ित थे, विनोद बिहारी जो ऊपर बताया था वो पीड़ित थे, ठीक है। इनकी आंखों का ऑपरेशन कराया गया था कब, 1957 ईस्वी में, इसके फलस्वरूप जानते हैं विनोद बिहारी मुखर्जी अपने आंखों की रोशनी खो बैठे, कराया गया था सक्सेस नहीं हुआ था। उस समय बाद फिल्म निर्माता सत्यजीत रे जो थे इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना दिया, उन्हीं का वृत्त चित्र इनर आई बनाई गई उन्हीं पर, ठीक है। तो विनोद बिहारी जो थे उन्हीं पर यह फिल्म बना दिए थे सत्यजीत रे। आगे है, लखनऊ के रविंद्रालय पर बने वृत्त चित्र म्यूरल को किसने बनाया है, किसने बनाया है, आपको हो जाएगा आंसर बी के जी सुब्रमण्यम। आगे क्वेश्चन देखेंगे, जी आर संतोष के चित्रों के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए, गलत कथन का चयन करना है, ये हमें बताना है। देखिए बी हो जाएगा यहाँ पे, अमूर्त या प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे,
थे, अमूर्त या प्रतिनिधित्व तो दोनों नहीं थे। कह रहा है कि हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1932 किसका चित्र है, ये किसका चित्र है, ये कृति किसकी है, काफी इंपॉर्टेंट है। अमृता शेरगिल, ठीक, अमृता शेरगिल, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्या है। कह रहा है कि उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था और जिसे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निष्कासित किया गया था और फिर उसने प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की थी। कौन है आपका, तो आप हो जाएगा आंसर का डी हो जाएगा एफ एन सूजा। देखिए आप लोग इसे डबल करके देख सकते हैं, मीन्स इंटू यहाँ पे जो 3i बटन है इसमें आपका मल्टीप्लाई 2 करके स्पीड है, इससे भी आप लोग देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, 2 से 3 बार करेंगे आपको याद हो जाएगा पूरी तरीके से। मेघदूत वास चित्र श्रृंखला संबंधित है, मेघदूत वास चित्र श्रृंखला संबंधित किससे है, आप सब लोग जानते हैं हरिहर लाल मेहर, किससे, हरिहर लाल मेहर से, ठीक। और यह एक जानते हैं क्या, प्रसिद्ध वास शैली के चित्रकार थे हरिहर लाल मेहर, उत्तर प्रदेश के हैं, जिनकी गणना बंगाल शैली के कलाकारों में होती है। अगला केसियस पड़िकर इसके चित्रकार हैं, केसियस पड़िकर इसके चित्रकार थे, किसके चित्रकार थे, देखिए यहाँ पर हो जाएगा सी चोलमंडल कलाकार समूह। अगला रखिए पाउल डांस शीर्षक के श्रृंखला के रचनाकार कौन थे, तो यहाँ पे था आपका जाएगा बी सुधीर रंजन खास्तवीर। अगला क्वेश्चन, एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं, आपका हो जाएगा बी के एस कुलकर्णी, कौन, के एस कुलकर्णी। अगला नेक्स्ट है कि उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर एक्रिलिक कागज पर जल वर्ण ग्वास और तैल वर्ण का उपयोग करता है, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा बी विवान सुंदरम है जो यही काम करते हैं। नेक्स्ट है कि पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार का और भित्तिकार का पहचानिए जिसने कला भवन के छात्रावास के छत पर वीरभूम की ग्रामीण जीवन को चित्रित किया है। अब बताइए, इस क्वेश्चन का मैंने पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, इस क्वेश्चन का मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है, तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पर जाएंगे विनोद बिहारी मुखर्जी, ठीक, विनोद बिहारी मुखर्जी। अब ये कहाँ किया गया है ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर, क्योंकि मैं कल वाले क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया था, ठीक, क्वेश्चन ये नहीं था लेकिन इसी से रिलेटेड था, जो है आपका जो वीरभूम में ग्रामीण जीवन को चित्रित किया गया था, कहाँ किया गया था, और विनोद बिहारी किए थे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, वीरेश्वर सेन इसके लिए विख्यात थे, वीरेश्वर सेन इसके लिए विख्यात थे, किसके लिए विख्यात थे, आपको हो जाएगा दृश्य चित्र के लिए। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध यथार्थवाद कलाकार मैक्स ऑर्नेस्ट का जन्म किस देश में हुआ, मैक्स ऑर्नेस्ट का जन्म जो है किस देश में हुआ था, ये हो जाएगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन है कि पियोरो डेला फ्रांसिस्का डैश एक इटालियन चित्रकार था, किस विधा का था, आपका हो जाएगा क्या, प्रारंभिक पुनर्जागरण का था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन, हाँ जर्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था, क्या तो बताया अभी। अगला चलिए, कह रहा है क्वेश्चन कि मुर्गी के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है, ये किसके चित्र है, देखिए एक क्वेश्चन किसके किस चित्र है ये भी पूछा जाता है, जैसे हिंदी साहित्य में रचना होती है ना वैसे किसका चित्र है ये पूछा जाता है, तो रामकिंजर बैच का है, याद रखिए। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं, भीमबेटका की पाषाण गुफाएं कहाँ स्थित हैं ये पूछा जा रहा है यहाँ पे, अब जानते हैं विंध्याचल की पहाड़ियाँ जो कि कैमूर का ही एक श्रृंखला है, कैमूर पहाड़ी का, ठीक। आगे उस विकल्प उत्तर का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है, इसमें कौन पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है, ये बताने उदयगिरी जो था पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, अरे उस जगह का नाम बताएं जहां भारत कला भवन स्थित है, कहां है स्थित, आप सभी लोग जानते हैं बनारस में है, नहीं जानते तो जान लीजिए, इम्पॉर्टेंट है,
चला। भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है, तो जान गए आप लोग। ये संग्रहालय वाराणसी में स्थित काशी विश्वविद्यालय जो BHU है के प्रांगण में स्थित है, ये भी आप जान लीजिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में रामकृष्ण, सॉरी राय कृष्ण दास ने की थी। कौन किया था? राय कृष्ण दास ने किया था। कब किया था? 1920 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिंह कौन से प्रसिद्ध सिंधु घाटी के अवशेष हैं? प्रसिद्ध सिंधु घाटी के अवशेष हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछे जाए। वो मोहनजोदड़ो, कौन? मोहनजोदड़ो। ठीक है, और जानते हैं आप लोग मोहनजोदड़ो में हड़प्पा से कई विश्व स्तर की मूर्तियां प्राप्त हुई और उसके साक्ष्य। तो ये रहा क्वेश्चन आप लोगों का आज का, आज लास्ट था। देखिए टेलीग्राम को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं वहीं पे सब शेयर करता हूँ PDF जो मैं अभी बता रहा हूँ। इसको एक हफ्ते का, मैं संडे अगले संडे को पूरा एक हफ्ते का PDF में 700 PDF 800 जितने भी रहेंगे सबको मैं शेयर कर देता हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़े रहिए क्योंकि उसमें हमेशा सबसे पहले अपडेट वहीं पर आएगा। ठीक है, चलिए। कोई भी डाउट हो जरूर पूछ लीजिएगा। आप लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं आगे डेली बताता रहूँ। डेली 50 क्वेश्चन आपका होते रहेंगे, आज लगभग 30 क्वेश्चन थे या 25। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।